Hello friends, welcome back to Beans Biology. In this video, we will be discuss about most important question from protozoa. So stay tuned and watch this video till ends. This is the first question. Nutrition in amoeba is. Amoeba में कैसा पोषण होता है? किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है अमीबा में? इसका ऑप्शन ए है सेप्रोबायोटिक, ऑप्शन बी होलोजोइक, ऑप्शन सी पैरासिटिक एंड ऑप्शन डी होलोफाइटिक। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होलोजोइक। अमीबा में होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार फैलता है, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है काला आजार? इसका ऑप्शन ए है एडिस, ऑप्शन बी पेडिकुलस, ऑप्शन सी ग्लोसिना एंड ऑप्शन डी फ्लिबोटोमस। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लिबोटोमस। काला आजार फ्लिबोटोमस या इसे सैंड फ्लाई भी कहते हैं, इसके द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज। मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था है, कौन होती है इन्फेक्टिव स्टेज मलेरिया किसके लिए? ऑप्शन ए है सिस्ट, ऑप्शन बी स्पोरोजोइट, ऑप्शन सी मीरोजोइट एंड ऑप्शन डी ट्रोफोजोइट। चलिए सही इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पोरोजोइट। मलेरिया की इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट होती है। क्वेश्चन नंबर फोर, सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ। सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है, किससे संबंधित होता है सिल्वर लाइन? इसके लिए ऑप्शन ए है साइकॉन, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी एंटमीबा एंड ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, कैसा होता है सूक्ष्म केंद्रक? ऑप्शन ए मेन सोर्स ऑफ आरएनए, ऑप्शन बी नॉन रिप्रोडक्टिव, ऑप्शन सी पॉलीप्लॉयड एंड ऑप्शन डी डिप्लॉयड। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिप्लॉयड। पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंजुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है, इसके लिए ऑप्शन ए है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी रिजुवेनिनेशन, ऑप्शन सी हेरिडिटरी वेरिएशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, पैरामीशियम इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में पैरामीशियम किस कण के द्वारा उत्पन्न होता है? इसके लिए ऑप्शन ए है लैम्डा, ऑप्शन बी म्यू, ऑप्शन सी पाई एंड ऑप्शन डी कप्पा।
चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हेटरोमार्फिक न्यूक्लियाई अकर्स इन, विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं हेटरोमार्फिक न्यूक्लिया? ऑप्शन ए सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, ऑप्शन बी न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी ह्यूमन जर्म सेल्स एंड ऑप्शन डी मसल सेल्स। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज, स्पोरोजोआ में भोजन का अवशोषण होता है, कैसे होता है? इसके लिए ऑप्शन ए है सिलियरी, ऑप्शन बी बाय माइक्रोपोर्स, ऑप्शन सी ऑटोट्रॉफिक एंड ऑप्शन डी बाय साइटोस्टोम। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाय माइक्रोपोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रैक्टाइल वैक्यूलिन प्रोटोजोअन्स मेनली सर्व्स फॉर, प्रोटोजोआ में संकुचनशील धानी का मुख्य कार्य है, क्या होता है इसका मुख्य कार्य? ऑप्शन ए वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी ऑस्मोरेगुलेशन, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन एंड ऑप्शन डी डाइजेशन। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्मोरेगुलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।